بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا صدق الله العلي العظيم سامعین گرامی اور مسلمانان حسینی آج کی یہ مجلس تاریخ رزم و بزم کی ایک منفرد مجلس ہوتی ہے میں نہیں چاہتا کہ ابتدائے مجلس میں آپ حضرات بے اختیار ماتم کریں میں چاہتا ہوں چند لمحے صبر و ضبط سے کچھ سنیں تاریخ رزم و بزم کی ایک منفرد مجلس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مجلس شام غریبوں مجلس آداب و عناصر و عوامل بزم کی مقتضی ہوتی ہے لیکن مجلس شام غریبوں اس کا جو تاریخی پس منظر جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مجلس کا انعقاد سب سے پہلے کس انداز سے ہوا تھا کہاں ہوا تھا ذاکر کون تھا خطیب کون تھا سامع کون تھا اور مقام شکر ہے کہ جو ہمارا براہ راست سامع مجمع ہے یہ اپنے اس تہذیبی اور ثقافتی اور روحانی ورثے سے آشنا ہے مقام شکر ہے دیکھو تو صحیح کیا روحانی جلال و جمال ہے اس مجلس میں خاک پسر بیٹھے ہیں اور حمد خدا کا ارادہ رکھتے ہیں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھے ہیں اور سجدہ شکر کا عزم رکھتے ہیں پہلی محرم سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ کہف اور شان تلاوت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان سے گفتگو جاری ہے
इस गुफ्तगु का हदफ और मकसद आम इंसानी नफूस की तरबियत है। हदफ और मकसद यह है कि आम इंसान भी अपने नूरे फितरत को पहचान कर उसे दर्क करके, उसे कशफ करके, उसे दरियाफ्त करके, उसे उस कमाल के दर्जे तक पहुंचाए कि जहां अब्दो महबूद खालिको मखलूक का रिश्ता इतना मुस्तहकम हो जाए कि दुनिया के तूफान इस रिश्ते को तोड़ने में कामयाब ना हो सके। कैसा ही तूफान आ जाए, कैसे ही फितने सर उठाए, मगर अब्दो महबूद का रिश्ता टूटने ना पाए, खालिको मखलूक का रिश्ता टूटने ना पाए। गुज़िश्ता दो शबों की मजलिस में मैंने मुकर्रर इशारा किया और बस इशारा करके आगे बढ़ गया। चाहता था मतालिब अर्ज करूं मगर गुफ्तगू किसी और रुख पर चली गई कि इन्हीं आयात के मतन से, हाक़ आयात से, बतन आयात से और अस्हाबे कहफ के वाक़े से एक पूरा इल्म है जो अहले मारिफत ने मुदव्वन किया और जिसे उलूमुल कुरान में शुमार करना चाहिए, और वो इल्म इल्म फुतुवत। आज इस वक्त तवज्जो से सुनिएगा, चंद जुमले अर्ज करूंगा सर, इसलिए कि इस मजलिस का प्याम दिलों में और दिमागों में रासिख हो जाता है और देर तक तबीयतों की तरबियत करता है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। ये इल्म फुतूहत दरअसल इंसानी नफूस की तरबियत का इल्म है, लेकिन एक खास अंदाज से, एक खास हदफ से, एक खास मकसद से। इल्म फुतूहत, लफ्ज़ फुतूहत मैंने अर्ज किया कि कलिमे फतह से नहत किया गया, ये क्वाइन किया गया लफ्ज़ फतह से। फतह से मुराद कौन है? जब भी देखिए, तारीख, तहजीबी तारीख बतौर खास अगर आप उसका मुताला करें तो कभी कभी होता है कि बाज़ अल्फाज बाज़ किरदारों और शख्सियतों के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। तवज्जो रखिएगा और किसी गुलू का इल्ज़ाम ना दीजिएगा, और मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में आप गौर फरमाएं तो उसमें भी ये देखेंगे। मसलन इस्लामी उलूम के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, जो लोग फ़िक्ह है जाफरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके यहाँ मसलन जैसे ही फ़िक्ही मबाहिस में, फ़िक्ही मतालिब में जब भी सिर्फ लफ्ज़ अल्लामा इस्तेमाल होता है, आल अल्लामा, तो बस एक ही शख्सियत ज़हन में आती है, दूसरी कोई शख्सियत नहीं आती, अल्लामा हिल्ली। जब कहा जाता है क़ाल अल मुहक्किक़, तो बस मुहक्किक़ हिल्ली मुराद होते हैं। यानी इस डिसिप्लिन में, इल्म फ़िक्ह के दायरे में जब सिर्फ तनहा लफ्ज़ अल्लामा कहा जाएगा तो अल्लामा हिल्ली मुराद होंगे, और जब सिर्फ लफ्ज़ मुहक्किक़ का, यूँ तो सभी मुहक्किक़ हैं, तहकीक का सिलसिला जारी है, तहकीक का कारवां जारी है, इल्म का सफ़र आगे बढ़ रहा है। मैं कभी अर्ज कर चुका हूँ कि इल्म की हकीकत में जुमूद नहीं है, इल्म की हकीकत में इर्तिका है, इसलिए इल्म आगे बढ़ रहा है, हर इल्म आगे बढ़ रहा है। लेकिन इल्म फ़िक्ह की तारीख में जब भी अल्लामा कहा जाएगा तो अल्लामा हिल्ली मुराद होंगे, और जब भी मुहक्किक़ कहा जाएगा तो मुहक्किक़ हिल्ली मुराद होंगे। इसी तरह हर दौर में एक शेख व ताइफा होता है, हर दौर में एक सैयद व ताइफा होता है, मगर जब शेख व ताइफा कहा जाएगा तो सिर्फ अल्लामा अबू जाफर तूसी मुराद होंगे, जो बानी हौज़ इल्मी नजफ हैं। जब सैयद व ताइफा कहा जाएगा तो अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम मुराद लिए जाएंगे। इसी तरह कुछ अल्फाज मखसूस हो जाते हैं कुछ किरदारों और कुछ शख्सियतों से,
ہماری تہذیب و ثقافت میں، مسلم تہذیب و ثقافت میں جب بھی لفظ فتح کہا جاتا ہے تو اب کسی اور طرف ذہن نہیں جاتا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اور وہ مصرع ذہن میں، وہ نغمہ ملکوتی ذہن میں گونجنے لگتا ہے جو دلوں کو برنائی عطا کرتا ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ لیکن یہاں پر ٹھہر کر عرض کروں گا، اور گزشتہ دو مجلسوں میں اشارہ کر چکا ہوں، فتح کا لفظ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا، فتح خود حضور نے اپنی ذات مبارک کو کہا میں فتح ہوں، حضرت امیر المومنین کو کہا علی فتح ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جب فتح کا لفظ آتا ہے تو ذہن جاتا ہے ذات گرامی ہے علی کی طرف۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح لفظ مولا ہے، ذات حق مولا حقیقی ہے، وہ ہے مولا، اللہ مولا ہے، رسول اللہ کی ذات گرامی حضور بھی مولا ہے۔ مگر ہماری تہذیب و ثقافت میں جب ہم لفظ مولا استعمال کرتے ہیں تو اب جیسے مخصوص ہو گیا ہے یہ لفظ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ کیوں مخصوص کیا؟ کس نے؟ بعض اسباب ہوتے ہیں، تاریخی، علمی، عقلی، روحانی، ثقافتی اسباب ہوتے ہیں۔ کچھ اس انداز سے علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا تھا کہ اب لفظ مولا ذات علی سے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ کچھ اس بس یہ دو مثالیں کافی ہیں آج اس وقت دیر تک گفتگو کرنے کا محل نہیں ہے، فشردہ بہت ہی مختصر بریف میسج آپ تک دینا چاہتا ہوں۔ یہ ضرور ہے لفظ مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہے، یہ ضرور ہے کہ لفظ فتح حضرت امیر المومنین سے مخصوص ہے، اور فتح کے مصداق سرکار رسالت مآب بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ لیکن جو علم فتوت ہے، یہ علم فتوت معصومین نے وضع فرمایا ہے، مدون فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے عام انسانوں کی تربیت کے لیے۔ بس اس طرف متوجہ کرو۔ تعریف کیا ہے اس علم کی؟ علم فتوت وہ علم ہے جو نور فطرت بشری کے ظہور کی کیفیت کا علم ہے۔ نور فطرت، نور فطرت بشری، نور فطرت انسانی، فطرت انسانی نورانی فطرت ہے، فطرت بشری نورانی فطرت ہے۔ ہر انسان، مقرر عرض کر چکا، آپ تمام حضرات واقف ہیں، ہر انسان کا باطن اصل روح ہے، روح امر ربی ہے، روح نوری ہے، روح بھی وہ نوری حقیقت ہے کہ جو نور مادی سے تعلق نہیں رکھتی، نور مجرد سے تعلق رکھتی ہے، نور مجرد۔ تو ہر انسان کے اندر ایک نورانیت ہے، علم فتوت اس نورانیت کو اتنا قوی کر دیتا ہے، اتنا قوی کر دیتا ہے، اتنا قوی کر دیتا ہے کہ مادی غبار اس پر بیٹھنے نہ پائے۔ بعض حضرات اگر اس علم پر مزید تحقیق کریں، گفتگو کریں، تو ہو سکتا ہے وہ اس نتیجے تک پہنچیں کہ دراصل یہ تو علم اخلاق کے مترادف ہے، یعنی صفات حسنہ کس طریقے سے انسان کے نفس میں پیدا کیے جائیں، بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ علم فتوت یہ بتاتا ہے کہ یہ اچھی صفتیں
किस तरह नफ्स का मलका बन जाए, यानी ये सिफत नफ्स में इस तरह रासिख और कायम हो जाए कि कैसा ही तूफान क्यों ना आए मगर ये सिफत नफ्स से जुदा ना होने पाए। तवज्जो फरमाएं। और इसीलिए इल्म फुतूवत इल्म विलायत का जुज है, जिस तरह इल्म विलायत इल्म नबूवत का जुज है। अल फता मासूम भी हो सकता है, गैर मासूम भी। इल्म फुतूवत आम इंसानों को इस काबिल बनाता है कि वो गुनाहों से बचकर जिंदगी बसर कर सकें, उलुल अज़्म अंदाज से जिंदगी बसर कर सकें। इसलिए आप वाकए करबला के तनाजुर में यह ना समझिएगा कि फतह से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, नहीं, उनका रुतबा बहुत बुलंद है। हुसैन अलैहिस्सलाम का रुतबा बहुत बुलंद है। जुहैर कैन आ गए, एक नजर हुसैन ने डाल दी उन पर, एक चश्मे करम इमामत हो गई तो जुहैर फतह बन गए। वाकए करबला में जुहैर फतह है, वाकए करबला में हुर फतह है, वाकए करबला में हबीब फतह है, वाकए करबला में मुस्लिम इब्ने औसजा फतह है, वाकए करबला में बुरैर हमदानी फतह है। यह है फितियान शहादत, और इनका भी कोई मुकाबला अस्हाबे कहफ से नहीं है। आप आका हुसैन का मुकाबला अस्हाबे कहफ से ना कीजिएगा, आका हुसैन का मुकाबला या मुआजना अस्हाबे कहफ से ना कीजिएगा। हुसैन इमाम है, हुसैन हुज्जत हक है, हुसैन सैयद अल अहरार है, हुसैन इमाम अल अबरार है, हुसैन जान सैयद अल बशर है। हुसैन का मुकाबला, हुसैन का मुआजना आप अस्हाबे कहफ से ना कीजिएगा। हुसैन के दामन आतिफत में आके जो तरबियत पा गया वो रश के असहाबे कहफ बन गया। हुसैन के साये आतिफत में दामन लुत्फ करम में जो आकर परवान चढ़ गया वो रश के असहाबे कहफ बन गया। इस वक्त इससे ज्यादा गुफ्तगु किसी खास इल्मी मतलब के ताल्लुक से नहीं करना चाहता। आप सबको अंदाजा है, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको अंदाजा है कि ये मजलिस मजलिस शाम गरीबा है। परवरदिगार इस फजाए मजलिस का वास्ता, परवरदिगार नाम गिरामी हुसैन का वास्ता, जो लोग इस मजलिस में शरीक हो रहे हैं जिस तरह से भी, उनमें वो जौहर फुतूवत परवान चढ़ा दे, नूर फितरत उनका इस तरह आश्कारा हो जाए कि दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाए, दुनिया की तारीकियां दूर हो जाएं, दुनिया में जो बेचैनियां हैं बेअमनियां हैं वो दूर हो जाएं, और ये दुनिया अमन व आफियत का गहवारा बन जाए। इस तरह अमन व आफियत का गहवारा बन जाए कि फिर कोई प्यासा दुनिया में तड़प तड़प के जान ना दे। ए परवरदिगार, मिट्टी को पिला चुका है खूने शब्बीर, अब तो मिट्टी से आदमी पैदा कर। ए परवरदिगार, इन मजालिस का वास्ता, जिक्र सरकार सैयद शहदा का वास्ता, अब किसी का खैमा जलाया ना जाए। आप आसर आशूर की मजलिस समाअत फरमा चुके हैं, ये शाम गरीबा हैं। करबला की सन 61 हिजरी की शाम गरीबा,
जहां आका हुसैन का सर जबनों के नैजा पे बुलंद हुआ और जमीन करबला पे आंधियां स्याह आंधियां चलने लगी, सरकारे इमाम जैनुल आबिदीन गशी किया के आलम में जरूर थे मगर बस उस वक्त बेदार हो गए, और फिर जो बेदार हुए तो फिर इमाम जैनुल आबिदीन को फिर तारीख नहीं बताती कि कभी गशी आई हो। बीमारी थी, कमजोरी थी, मगर बेहोशी नहीं थी। क्या क्या कयामतें गुजर गईं मगर आका बेहोश नहीं हुए। आप सोचें, एक नौजवान बीमार, बाप का सदमा उठाए हुए, चचा का सदमा उठाए हुए, भाई का सदमा उठाए हुए, अजीजों का सदमा उठाए हुए, बीमार लाहर, और उसके गिर्द बीबियों का हुजूम है और खैमों से शोले उठ रहे हैं, शोले भड़क रहे हैं, और बीबियां पूछ क्या रही हैं, बेटा सैयद सज्जाद तुम बताओ दुश्मनों ने खैमों में आग लगा दी है, क्या हम जल के मर जाएं या बेरेदा खैमों से बाहर निकल जाएं। लेकिन आका इमाम जैनुल आबिदीन को गशी नहीं आ रही है, बेहोशी तारी नहीं हो रही है। पूरे सब्र के साथ, पूरी इस्तेकामत के साथ मसाला बयान करते हैं, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, जलते हुए खैमों से बाहर निकल जाएं, सबको लेकर बाहर निकल जाएं। मुअर्रिखीन ने यह मंजर लिखा है और आप सुन सुन के सर व सीना पीटते हैं। बीबी जैनब ने सबको जलते हुए खैमों से निकाला, बेरिदा बीबियां, सोगवार बीबियां, यतीम, करबला के सहमे हुए यतीम, यतीम बच्चे, यतीम बच्चियां, जो अभी प्यासे हैं, जो अभी भूखे हैं, खैमों से लेकर जैनब उन्हें निकली, सबको लेकर जैनब बाहर आ गई, मगर खुद सैयद सज्जाद अभी खैमे में हैं, वो अभी खैमे में हैं। ये रिवायत दुश्मन ने नकल की है कि मैंने देखा सब आ गए मगर जैनब को करार नहीं था, जैनब को करार नहीं था, जैनब बार बार जलते हुए खैमों की तरफ बढ़ती थी और ठहर जाती थी, शोले भड़क रहे थे, शोले भड़क रहे थे। एक मरतबा मैंने देखा कि जैनब जलते हुए शोलों में, भड़कते हुए शोलों में, जलते हुए खैमों में दाखिल हो गई, और मुझे ये फिक्र थी कि आखिर कौन सी ऐसी कीमती शय है जिसके बचाने के लिए जैनब अपने को गोया हलाकत में डाल रही है। फिर मैंने देखा जैनब निकली और पीठ पर, अपनी पीठ पर उस जवान को लेकर निकली जो बीमार जवान बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जिसके नीचे से बिस्तर भी खींच लिया गया था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगर आपके हाफिजों में तारीख के वो मनाजिर हैं जो बराबर जिक्र करता रहा हूं आपके सामने, तो फिर बस एक मंजर, एक मंजर जिक्र कर दूं, इससे ज्यादा आज अब मुझ में ताकत नहीं है। क्या कयामत का मंजर है, क्या कयामत का मंजर है। ये कोई शायराना तखय्युल नहीं है अजीजों, ये कोई खतीबाना मुबालिगा नहीं है, ये ठोस हकीकत है, ठोस हकीकत। आका हुसैन आप पर सलाम, आपने सुबह आशूर से असर आशूर तक लाशें उठाए और आपने ये एहतमाम किया, आपका ये जलाल था, आपका ये रोब था,
आपकी ये हैबत थी, आपकी ये हिकमत थी, आपके जीते जी किसी का सर कलम नहीं हुआ। इधर घोड़े से शहीद जमीन पर आता था हुसैन, और हुसैन के असहाब जाकर उस शहीद को ले आते थे। अगर अहले बैत से होता था तो अहले बैत के खेमे में राशा रखा जाता था, और अगर असहाब में से होता था तो एक बड़े खेमे में फुस्तात में लाके रख दिया जाता था। और जब तक हुसैन जिंदा रहे किसी का सर कलम नहीं हुआ, किसी का सर कलम नहीं हुआ, बजुज एक या दो सर, जिसका तस्करा हो चुका है कि उम्मे वहब के सामने वहब का सर काट कर दुश्मनों ने फेंक दिया, और उम्मे वहब ने यह कहकर वापस कर दिया, हम अल्लाह की राह में जब कुर्बान कर देते हैं तो वापस नहीं लेते। हमारा सलाम हो आपा आप पर, मगर बताइए ज़ैनब ने कितना बड़ा इम्तिहान दिया है, रबाब ने कितना बड़ा इम्तिहान दिया है, लैला ने कितना बड़ा इम्तिहान दिया है। जैसे ही अकबर के सीने पे बर्छी लगी, आका आप पहुंच गए, अकबर का लाशा उठाकर ले आए खैमे में, यानी आपने अपनी आंखों से अकबर का गला कटते हुए नहीं देखा, अकबर का सर कलम होते हुए नहीं देखा, ये मंजर तो लैला ने देखा। ये मंजर बाद शहादत हुसैन, हुसैन को ज़बह होते हुए ज़ैनब ने देखा, सिर्फ हुसैन को नहीं, हुसैन के अलावा 18 जवानों ने बनी हाशिम कम से कम सबके सर बीवियों के सामने कलम किए गए, यानी और मोहम्मद का लाशा हुसैन ले आए थे, और मोहम्मद के सर ज़ैनब के सामने कलम हो रहे थे, हाशिम का सर उम्मे फरवा के सामने कलम हो रहा है, अकबर का सर उम्मे लैला के सामने कलम हो रहा है, असहाब के सर भी कलम हो रहे, बीवियां देख रही हैं। क्या कयामत की आसर थी आसर आशूरा, क्या कयामत की शाम थी शाम गरीबा। और उसके बावजूद इमाम की शान सब्र इस्तेकामत क्या है, किस तरह इत्मा में हुज्जत कर रहे हैं। उधर नौ के नैजा पर बाबा का सर कुरान की तिलावत कर रहा है, इधर तपती हुई रेत और तपती हुई जलती हुई सुलगती हुई राख पर सजदा करके सैयद सज्जाद, वो सजदा कर रहे हैं जिसे मुअर्रखीन ने लिखा, मुखालिफीन ने लिखा, पूरी शाम खरीबा एक सजदे में गुजार दी सैयद सज्जाद। ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईमानन व तस्दीका, ला इलाहा इल्लल्लाहु उबूदियतन व रिक्का, सजदतु लक या रब तअब्बुदन व रिक्का। पूरी रात तहलील तस्बीह तहमीद तमजीद, पूरी रात सजदे में गुजार दी। कैसी रात? कोई खुशी की रात थी? कोई मसरत की रात थी? कैसी कयामत की रात? किस तरह जिक्र खुदा में मुसलसल सजदे में गुजारी है सैयद सज्जाद ने। सैयद सज्जाद सजदे में हैं और ज़ैनब जले हुए खेमे की तनाब लेकर तिलाया फिर रही है, एक एक बच्चे को शुमार कर रही है, एक एक बच्चे को दिलासा दे रही है, कोई बिलक बिलक के रो रहा है तो तसल्ली दे रही है, कोई बेचैनी का इजहार कर रहा है तो उसे इत्मीनान दिला रही है। क्या नफ्से मुतमइन्ना की बेटी है, क्या नफ्से मुतमइन्ना की बहन है, खुद ज़ैनब कैसा नफ्से मुतमइन्ना रखती है, इसकी नजीर तारीख आदम आलम नहीं पेश कर सकती। क्या इम्तिहान दिया है ज़ैनब ने। और हाँ, बस अब दो वाकयात की तरफ इशारा कर दूं, हमारे बुजुर्ग उलमा और ज़ाकिरीन आका हुसैन इन वाकयात को नकल करते चले आ रहे हैं, और इसलिए हम इसे तवातुर का दर्जा दे सकते हैं। मैं इस मौके पर एक जुमला अर्ज कर दूं, आलम अरब के अजीम शान खतीब शेख अब्दुल जहरा अल काबी से किसी ने कहा,
कि बहुत से वाकयात जो आप हजरात पढ़ते हैं ये किताबों में नहीं मिलते, या उन शुरू में किताबों में नहीं मिलते जो शुरू में लिखी गई। बरजस्ता उन्होंने जवाब दिया, सुनो ये सानिया हमारे घर का है। ये वाकया हमारे घर का है ना, हमें मालूम है दहन बदहन सीना बसीना क्या क्या कयामतें गुजरी। मुअर्रिखीन तो हुकूमत वक्त के ज़ेर असर रहे हमेशा, वो कैसे तमाम वाकयात लिख सकते थे। बस ये दो वाकये की तरफ इशारा कर दूं और फिर आप खूब मातम करेंगे, आप पुरसा देंगे, इस वक्त पुरसा देने में कोताही ना हो। बस ये दो वाकयात हैं, छोटे छोटे दो वाकयात, और आप सबके हाफिजों में हैं। ज़ैनब तिलाया फिर रही थी और शुमार कर रही थी बच्चों का। इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें ज़ैनब ये समझी कि रोते रोते सो गए हैं, मगर जब उठाया तो मालूम हुआ इंतकाल कर चुके हैं। किसी बच्चे के ऊपर घोड़ों की टापे पड़ रही थी, और किसी बच्चे को दुश्मनों ने खैमे को लूटते वक्त तलवार से कत्ल किया था। तारीख में मौजूद है, ये तारीख में मौजूद है। हजरत अकील इब्न अबी तालिब का एक पोता, छोटा सा पोता, जिसकी माँ खैमे में मौजूद थी, जिस वक्त खैमे लूटे जा रहे थे, एक मरतबा ये बच्चा सहम के जाके एक अमूद खैमा से लपट के खड़ा हो गया। खैमे में जो शकी दाखिल हुआ उसने देखा माँ सहमी हुई दूसरी तरफ खड़ी है, ये बच्चा सहमा हुआ अमूद खैमा से लपटा हुआ है। इसने तलवार खींची, माँ की निगाहों के सामने बच्चे को दो टुकड़े कर दिया। शिद्दत-ए-तिश्नगी से रेत, जलती हुई रेत हटाते थे, और जब कुछ खुनक रेत निकलती थी उसमें सीना रख देते थे, और सीना रखा तो फिर उनकी आंखें ऐसी बंद हुई कि फिर ना खोली। ज़ैनब इन सबको समेट रही है, सबको जमा कर रही है। अब ज़ैनब की परेशानी उस वक्त बढ़ी जब वो बच्ची नजर नहीं आई, इसके लिए बेचैन होकर मख्तल की तरफ चली। ए बेटी सकीना, ए बेटी सकीना, गवाह हो, मुझे आवाज दो। एक मर्तबा नशेब से आवाज आई, बेटी की नहीं बहन ने भाई की आवाज सुनी, मेरी बहन ज़ैनब। अरे बेटी सकीना मेरे पास है, सहमी हुई है, सो गई है, उसे नींद आ गई है, बहन आकर यहां से ले जा। ज़ैनब आगे बढ़ी, नशेब तक पहुंची, उस बच्ची को उठाया, सीने से लगाया, लाकर वहीं भी लटा दिया जहां सब बच्चे लेटे हुए थे। फिर ज़ैनब तिलाया फिरने लगी। यहां पर उस रिवायत का इशारा करूं जो अहले मारिफत नकल करते आए हैं। ज़ैनब तिलाया फिर रही है, एक मरतबा देखा कोई सवार आ रहा है। अब ज़ैनब को जला लाया, आगे बढ़ी, एक सवार वापस चला जा, खैमे जल चुके, आले रसूल लुट चुके, जो कुछ खैमे में था सब लूट लिया गया। अब बच्चे हैं नीम जान बच्चे, ये अभी सोए हैं, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ वापस चला जा। वो सवार करीब आता गया। अब ये ज़ैनब है, आगे बढ़ के ले जा, मैं फर्ज
پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ وہی زینب ہے جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا, آخری رخصت خیمے سے نکلے تو حسین ہمیشہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو تنہا نہیں ہوتے تھے, عباس ہوتے تھے, اکبر ہوتے تھے, اول محمد ہوتے تھے, غلام ہوتے تھے, خدمتگار ہوتے تھے جو آقا حسین کی زین پکڑتے تھے, رکاب پکڑتے تھے, آقا سوار ہوتے تھے. مگر عصر عاشورا جب حسین گئے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں تھا جو سوار کرتا, زینب نے سوار کیا تھا. یہ زینب اب پھر دیکھ رہی ہے کہ ایک سوار آ رہا ہے, آگے بڑھی, لے جا میں برس میں ہاتھ ڈالا, وہ سوار میں تجھ سے کہہ رہی ہوں ٹھہر جا, واپس